नमस्कार, रागगिरी वीकेंड इंटरव्यू सीरीज में आप सभी का स्वागत है। स्क्रीन के दूसरे हिस्से में जो कलाकार आपको दिखाई दे रहे हैं, उनका नाम मैं आपको बाद में बताऊंगा, उनके सफर के बारे में भी बाद में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि रागगिरी के प्लेटफॉर्म पे जो इतने सारे इंटरव्यूज आपने देखे हैं, तकरीबन 1000 के करीब, उसमें वो पहले कलाकार हैं जो जलतरंग बजाते हैं, यानी जलतरंग बजाने वाले कलाकारों में से पहले कलाकार के तौर पर मिलिंद तुलांकर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मिलिंद जी, बहुत बहुत स्वागत है। और नमस्ते। इस स्वागत में थोड़ा एक्स्ट्रा स्वागत इसलिए जुड़ा हुआ है, जैसा मैंने कहा कि आप पहले कलाकार हैं जो रागगिरी के प्लेटफॉर्म पे हैं और जलतरंग बजाते हैं। इससे पहले हमने जलतरंग के किसी कलाकार से बात नहीं की थी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। वेलकम, थैंक यू सो मच। ये आपने जो मुझे मैंने जलतरंग को चुना ये इंटरव्यू के लिए, क्योंकि जलतरंग बजाने वाले वैसे ही बहुत कम है, और अभी पूरे इंडिया में बोले तो 7-8 लोग बजाते हैं, और उसमें भी काफी लोगों की उम्र ऐसी हो गई है कि ये सारा कुछ बाहर लेके जाना, उसको ट्यूनिंग पानी से करना पड़ता है, ये सब तो अभी बहुत कम हो गया है। और बाहर किसी देश में ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है, यानी जो भी लोग हैं वे पूरे वर्ल्ड में इतने लोग हैं ऐसा बोल सकते हैं। मिलिंद जी, ये जानना चाहेंगे कि जो बात अभी आपने कही कि पूरे भारत में आप 7-8 कह रहे हैं, चलिए हमने उसको और बढ़ा लिया, हमने कहा साहब चलिए 20 लोग होंगे जो बजाते होंगे, उसमें कुछ लोग हो सकता है अमेच्योर भी हों, कुछ लोग प्रोफेशनली बजाते हों। आपके परिवार में पृष्ठभूमि रही संगीत की पहले से, दादाजी के समय से, उससे भी पहले से, तो फिर आपने ये इंस्ट्रूमेंट क्यों चुना? आप बहुत सारे दूसरे इंस्ट्रूमेंट चुन सकते थे, आप वोकल चुन सकते थे, लेकिन ये जानते हुए कि ये एक चुनौती भरा साज है, पूरा का पूरा सेटअप जो है वो चुनौती भरा है, आपने इसको बिल्कुल कैसे चुना? या फिर ये कुछ ईश्वर का ऐसा रचाया हुआ खेल था कि ये आपके पास आ गया? वैसे आपने बिल्कुल सही बोला कि मैंने बाकी सारा पहले ही चूज कर लिया था। मैं पहले हारमोनियम बजाता था, और बाद में स्कूल में कंपटीशन में जब मुझे फर्स्ट प्राइज मिला तो लोगों को लगा, यानी घर में ही पता चला कि यार ये गाना भी गाता है क्योंकि घर में इतना गाना चलता था कि मेरे अलग से गाने का कोई ये नहीं था उसमें। तो बाद में मैं संतूर की तरफ थोड़ा आकर्षित हुआ, और संतूर भी, लेकिन अच्छी बात यह है कि मेरे नाना जी खुद जलतरंग बजाते थे, पंडित शंकर विष्णु कान्हेरे सातारा से। तो मेरा स्कूलिंग सातारा में हुआ, मैं उनके पास था स्कूल के समय, तो मैं उनको रोज बजाते हुए देखता था और मुझे अच्छा लगता था, ये अलग है यार कुछ बाकी सब इंस्ट्रूमेंट से। तो उनका एक जगह और एक जगह वो क्लास लेने के लिए जाते थे, दूसरी जगह क्लास था, तो 8-10 घंटे बाहर रहते थे क्लास के लिए, तो वो जलतरंग सेट जो जमाया हुआ होता था, तो मैं अपना घर में म्यूजिक था, सारे गम पद नहीं था तो बताने की जरूरत नहीं थी मुझे, तो मैं जो नाना जी ने सुबह जो भी राग बजा हुआ होगा वही ट्यून रहता था दिन भर, तो मैं वही वही बंदिश वही धुन बजा के देखता था उसपे। तो नानी ने एक बार सुना और फिर नाना को बताया कि आपने जो बजाया वो पूरा आज इसने बजा दिया था, तो एक बार उसको सुनिए आप। तो मैंने नाना जी के सामने बजाया, नाना जी काफी एकदम ऐसे स्ट्रिक्ट किस्म के इंसान थे, उनको किसी ने हाथ लगाया वो भी नहीं चलता था। तो मैं डरते हुए बजाया उनके सामने, वो बोले कि यार अच्छा बजा रहा है तू, और एक काम कर, तू बाकी जो सब चीज कर रहा है उसको बंद कर, ऐसे नहीं बोलता हूँ मैं, लेकिन इसके तरफ थोड़ा ज्यादा ध्यान दिया तो अच्छा हो जाएगा। तो मैंने फिर थोड़ा उसके तरफ ध्यान देना शुरू किया, और अभी नाना जी की बात मुझे हर बार लगती है कि वो बोलते थे कि ये जो करेगा तो इसका साइकिल जो है वो टूटेगा नहीं, नहीं तो ये म्यूजियम में जाएगा बाद में ये इंस्ट्रूमेंट, तो मेरे बाद कौन बजाएगा। तो अभी मुझे वो बात बहुत अच्छी लगती है कि मैं जलतरंग बजा रहा हूँ, इसलिए कुछ अलग मेरी पहचान है अभी। नहीं तो म्यूजिक के फील्ड में कलाकारों की तो कमी नहीं है, बहुत सारे कलाकार हैं। बहुत बड़ी बात कही उन्होंने। मतलब देखिए, यही होता है बड़े कलाकारों का, बड़े गुरुओं की जो दूरदृष्टि होती है।
तो हम लोग को भी जाता है, दिखाई तो हमको भी दिख जाता है, आपको भी दिख जाता है, सबको दिख हाँ हाँ जाता है, लेकिन जो विलक्षण गुरु होते हैं, कलाकार होते हैं, वो थोड़ा पहले उस चीज को देख लेते हैं। और यस संभवतः आपके नाना जी ने ये पहले देख लिया था कि अगर हाँ परिवार में कोई इस परंपरा को लेकर आगे नहीं बढ़ा तो संभवतः धीरे धीरे ये जो इंस्ट्रूमेंट ऑलरेडी डाइंग आर्ट की तरह से है, वो और ज्यादा पीछे चला जाएगा, और एक दिन ऐसा भी आएगा कि जब वो म्यूजियम में दिखाई दे। तो ये बराबर बात के लिए संगीत प्रेमी जो है, पूरे पूरे दुनिया के संगीत प्रेमियों को आपके नाना जी का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्होंने कम से कम एक इंस्ट्रूमेंट को और उदाहरण सेट किया। जैसे हम कहते हैं यस कि ये नहीं कि दूसरे के घर में जाए कहा कि तुम सीख लो, हाँ बेटा तुम तो ऐसा करो क्लासिकल म्यूजिक ही सीखो, मैं अपने शिष्य को कहता हूँ वो सीख लेगा जल तरंग, ये नहीं किया उन्होंने, हाँ अपने घर में ऐसे सिखाया, ये बहुत बड़ी बात थी। यस और आपकी तो मदर भी वोकल से जुड़ी हुई है, शास्त्रीय गायन से जुड़ी हुई है, उनके बारे में हाँ भी बताइए। तो माँ को अभी गुजर के बहुत साल हो गए, लेकिन शास्त्रीय और लाइट दोनों रेडियो पे गाती थी और एमए इन म्यूजिक किया था। और कमाल की आवाज आवाज जो थी वो बहुत कमाल। और मैं काफी बचपन से उनको संगत करते आया हारमोनियम पे, और हमारा यानी पूरा फैमिली का ही प्रोग्राम होता था। भाई तबले पे रहता था मैं, कभी पिताजी तबले पे रहते थे। तो उन्होंने पहले जलतरण किया कई कुछ साल, लेकिन जब करियर करने की बात आई तो उन्होंने गाने को चुना, और बाद में काफी सारे कॉम्पोजिशंस भी किए। और मैं बोलता हूँ कि जितना मुझे घर में बिना किसी के सामने बैठे सीखने को मिला वो शायद ही किसी को मिले। पिताजी सितार और तबला बजाते थे, तो यानी ऐसा पूरा माहौल, जैसे नाना जी जलतरंग और सारे इंस्ट्रूमेंट बजाते थे जलतरंग के साथ, और नानी मेरी दिलरुबा मेनली बजाती थी और वोकल और हारमोनियम, और मेरे दादाजी जो थे वो वोकलिस्ट थे। यानी इतना सब तीनों साइड से जो मिला है, तो मुझे नाना जी बोलते थे कि जिसको हमको सिखाने को 10 साल लगते हैं वो तो 1 मिनट में सीख जाता है। मैंने बोला मैं सीखता नहीं, अपने आप। बिल्कुल, ये तो बहुत ही मतलब सौभाग्य की बात होती है जब पिता के पक्ष से भी और माँ के पक्ष से भी आपको हाँ आप हर तरह के कलाकार मिल जाएं, वरना कोई एक पक्ष थोड़ा ये तो रहता है कि हाँ उन्हें भी सुनने का शौक था या उन्हें भी हाँ जानकारी थी, लेकिन इस तरह से परफॉर्मिंग आर्ट से जुड़ा दोनों ही पक्ष मिल जाए तो निश्चित तौर पर हाँ ये सौभाग्य की बात है। मिलन जी, हम आपसे गुजारिश बिल्कुल करेंगे, हालांकि हम लोग सब लोग आजकल जब से ये कोरोना रूपी विलेन आया था पूरी दुनिया में, उसने सबकी रफ्तार ऐसे कर दी कि वो अब सब कुछ बहुत सारी चीजें ऑनलाइन शुरू हो हाँ गई, तो अब हम लोग भी ऑनलाइन इंटरव्यू कर रहे हैं, ऑनलाइन बातचीत कर रहे हैं, इसकी अपनी सीमाएं होती हैं, इसके अपने तकनीकी पक्ष होते हैं, वो हम समझते हैं, फिर भी आपसे गुजारिश करेंगे कि थोड़ा सा जो सेटअप होता है जल तरंग का वो हाँ दिखाइए, और जितना बिल्कुल आप उसके बारे में आम व्यक्ति को समझा सकें वो समझाइए भी, क्योंकि बिल्कुल देखने में बहुत ही आकर्षक लगता है ये पूरा का पूरा जो सेटअप है। बिल्कुल। मैं थोड़ा कैमरे का पोजीशन एडजस्ट करता हूँ जितना इसमें आ सके। अभी ये आधा है इधर और इधर आधा है, इधर सा है मेरा, और मंद्र सप्तक जो होता है वो हम 4 या 5 सुर उसके लेते हैं। ये हो गया, फिर ये बीच वाला सप्तक, आगे का सप्तक, तो हर हर बॉल के लिए, हर सुर के लिए एक बॉल होता है। और जब मैंने बजाना शुरू किया तो उसमें काफी सारे चेंजेस किए। तो ये जो स्टिक देख रहे हैं आप, ये जी पहले जी तो लकड़ी की होती थी, अब ये सॉलिड नायलॉन है, और इसको मैंने सर्जिकल टेप से किया है, कोट किया है। ये इससे क्या हुआ, टोनल क्वालिटी में फर्क पड़ गया और स्टिक्स बार बार चेंज नहीं करनी पड़ती। लकड़ी के स्टिक्स तो टूट जाती थी एक आध प्रोग्राम में,
खत्म हो जाती थी। अभी ये नायलॉन की रॉड से तो इससे टोन भी एक जैसा रहता है और बहुत साल तक ये चलती है नायलॉन के। अभी इसमें और एक स्टिक है जो हेवी टोन के लिए, इसमें मैंने आपको दिख रहा है ये केबल का एक टुकड़ा इसमें लगाया हुआ है। साउंड में भी फर्क, इसका जो दूसरा हिस्सा है वो थोड़ा कम गेज से कम स्पीड के लिए करते हैं। और लास्ट एक स्टिक मैंने 1.5 साल पहले बनाई वो है जिसमें जलतरण में कभी जो चीज हुई नहीं वो इसमें होती है। तो ये पहले कभी हुआ नहीं चलता है ये जो जो अभी कंटिन्यू साउंड है। हाँ ये जो अभी आपने किया, क्या ये जिसे जिसको शास्त्रीय गायन में मींड कहते हैं या कुछ के हाँ उसी का ये प्रकार है? तो ये जिसको मींड जो बोलते हैं जो एक सुर में बिना कटे दूसरे सुर में जाना, तो अच्छा, मींड हम इस पे ऐसे इस तरह से चल सकते हैं। सा, ये सा है, ये है मीन। लेकिन ये जो कंटिन्यूटी है जैसे हम हारमोनियम पे ऐसे कंटिन्यूअस बजा सकते हैं, फ्लूट पे बजा सकते हैं, जी जी वोकल जी में, अच्छा अच्छा जब अच्छा अच्छा हमने समझ गया समझ गया समझ गया। हाँ तो ये पहली बार हुआ है जलतरंग में। और ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये जो है ये जी हर बॉल के लिए एक बना हुआ है कॉरोगेटेड प्लास्टिक का, और इससे ये होल्ड करता है बॉल को इतना पक्का। और हर बॉल के नीचे है आपको दिखाई देगा ये जो ब्लैक कलर में, हाँ, जी दिख रहा है। और वो सब उसका एडजस्टमेंट ऐसा है कि सब एक में ऐसे फिक्स हो जाते हैं, अटक जाते हैं पूरे। तो जितना कम हिलेगा उतना सुरीला बजेगा जलतरण, क्योंकि हिलने के बाद वो पानी में जितनी लहर आएगी उतने देर तक वो जैसे हम गमक बोलते हैं, ये जो हिलने के बाद उसका बेसुरापन है वो बंद हो गया है ये कोरोगेटेड सीट से, ये सीट से। और अभी क्या हुआ है तो अभी कोई भी स्टेज पे हम प्रोग्राम परफॉर्म कर सकते हैं, इतना उसमें चेंजेस और इतने सारी चीजें मैंने मेरे नाना जी ने शुरुआत की और आगे मैंने उसको बढ़ाया। और ये जो आप तो मेरा बाउल का कलेक्शन देख रहे हैं ये मेरे नाना जी का है और करीबन 80-85 साल उसको हो गए। मैं लास्ट 33 ईयर से मैं ही बजा रहा हूँ ये सेट। तो ये सारी चीजें हैं। मेरा यही अगला प्रश्न यही था कि बिरेन जी की ये जो बोल हैं, ये क्या इनका जो जिस चीज से ये बने हुए हैं ये का कोई फिक्स है, या जो हमारे घरों में भी जो बोल होते हैं नॉर्मल उस तरह के बोल से भी ये बन सकते हैं? हाँ, घरों में जो बॉल होते हैं हम वैसे ही बॉल खरीदते हैं, लेकिन उसका टोन देख लेते हैं किसी का टोन ऐसा, यानी जो सुर आ रहा है उसमें से, वो एक तो सीधा होना चाहिए, उसमें वाइब्रेशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, जिसको हम वाइब्रेटो कहते हैं वो नहीं बिल्कुल होना चाहिए। और उसकी यानी उसको खुद का एक सस्टेन होना चाहिए, आस जिसको बोलते हैं, थोड़ा सा टिकना चाहिए उसका सुर, नहीं तो टिंग करके बंद हो जाता है। तो ये देख के और फिर तीसरा देखना पड़ता है कि ये हमको गंधार के लिए चाहिए बॉल समझो, तो वो रे और ग से बड़ा ना हो जाए, यानी सा और रे से, यानी वो भी देख बजाने के लिए उसकी फिर मुश्किल आती है कि एक बॉल छोटा है उसके बाद वाला बड़ा है, ऐसे नहीं हो सकता। वो लेफ्ट से लेकर राइट तक बड़े से छोटे होते जाते हैं, और हाइट में भी वैसा ही होता है, लेफ्ट में थोड़ी हाइट ज्यादा है राइट में थोड़ी कम होती है, हो रही है, तो बीच में ऐसा एकदम उतार चढ़ाव नहीं चाहिए। आपने जैसे जब आप शुरू में बता रहे थे जल तरंग के सेटअप के बारे में, तो आपने हारमोनियम का जिक्र किया। हालांकि मेरा कोई संगीत का बैकग्राउंड नहीं है, जो थोड़ा बहुत सुन के सीखा है या जाना है, हारमोनियम में जैसे मंद्र सप्तक हो गया, मध्य सप्तक हो गया, तार सप्तक हो गया, हाँ, बराबर।
वो तो समझ में आ गया कि आपको नीचे के सुर निकालने हैं, तो आपने दिखाया कि आपके बाईं तरफ के जो प्याले हैं आप उस पे बिल्कुल बजा रहे थे, सामने आपने जब मध्य मध्य सप्तक सप्तक में जी, और ऊपर जब गए तो तार सप्तक। लेकिन क्या तार सप्तक हारमोनियम की तरह ही, जैसे हारमोनियम में कीज फिक्स हैं कि इतनी ही कीज होंगी, वैसे ही क्या जल तरंग में भी ये बोल के जो नंबर ऑफ बोल्स हैं, यानी ले मान लेते हैं 15 हैं या 10 हैं या 20 हैं या 12 हैं या 14 हैं, ये फिक्स हैं या आप इसको घटा और बढ़ा भी सकते हैं? नहीं, हम घटा और बढ़ा सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही फ्लेक्सिबल इंस्ट्रूमेंट है। मैं तो बोलता हूँ कि सबसे फ्लेक्सिबल इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि इसमें मध्य सप्तक, अगर आपको जैसे ओडो राग बजाना है, सारे ग प ध सा भोपाली जैसे, तो सारे ग प ध सा ये 6, और मंद्र के 2 और तार के 2, अगर 10 बोल भी आपके पास है तो आप राग भोपाली परफॉर्म कर सकते हैं। और इससे उल्टा, जब आपको क्रोमेटिक चाहिए, यानी आप कुछ फिल्म के गाने के लिए बजा रहे हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए बजा रहे हैं, तो वहाँ पे 25-26 भी कम पड़ जाते हैं। तो मैंने काफी बार किया है। अभी रिसेंटली मैं सारेगामा लिटिल चैंप में बजाया, पर एक हफ्ते पहले लास्ट सैटरडे उसमें आया था टीवी पे, तो जनक जनक तुरी बाजे पाए लिया एक छोटे बच्चे ने गाया, और मैंने उसके लाइव जल तरंग उसमें बजाए। तो वहां पे मैं 25-26 लेके गया था, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था वहां पे दूसरा कुछ बजाना पड़े या कोई सुर उन्होंने बोला, तो ऐसे नहीं बोल सकते कि यार मैं कोमल गंधर तो लाया ही नहीं। तो ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट है कि हम कभी बोल सकते हैं कि किसी ने बोला कि आप जय जयवंती बजाइए, तो बोल सकते हैं कि नहीं, जय जयवंती तो नहीं लाया। तो तो जैसे 26, यानी 10-12 से लेकर तो 26-27 तक हम, मैंने एक बार पर्शियन म्यूजिक बजाया था, और पर्शियन म्यूजिक पे हमारे जैसे 12 सुर है वैसे 17 सुर है, और हर सुर के लिए 2 कोमल सुर है, यानी सा रे रे रे, फिर गा गा गा, यानी तो ये जलतरंग होने की वजह से क्या, उतने बॉल मैंने और एक्स्ट्रा रख दिए, और हमने नेहरू सेंटर में जुगलबंदी किए थे पर्शियन म्यूजिक की, तो काफी मजा आया था। अथर तोरा भी नाम से वो सेतार प्लेयर पर्शियन, वो पेरिस में रहते हैं, उनके साथ, तो काफी सारे लोगों के साथ ये इसके फ्लेक्सिबिलिटी के कारण मैं कर पाया कि उसका फिक्स कुछ नहीं है, और सुर भी इतना हम बारीक चेंज कर सकते हैं जितना दर्जे का चाहिए, एक बूंद से भी फर्क पड़ता है। तो ये जो सारे बोल्स हैं इनके तो बड़ा आपने बहुत इंटरेस्टिंग चीज नहीं बताई। किसी ने कह दिया कि जय जयवंती, बोले साहब जय जयवंती तो नहीं लाए। तो ये क्या भाई, ये सारे बोल्स के तो आप लोगों ने नाम भी रखे होंगे। अगर घर में किसी से मंगाना है, मान लेते हैं हाँ 12 12 बोल्स लेके रियाज करना शुरू किया था और अचानक हाँ लगा कि तार सप्तक में थोड़ा और ऊपर भी जाना है, तो बोल ऐसे ही बोलते होंगे, अरे जरा ऊपर वाला ग भी ले आना या जरा ऊपर वाला नी भी ले आना। ऐसा ही होता है। हाँ ऐसा ही होता है, लेकिन वो मुझे खुद ही करना पड़ता है, क्योंकि वो सारी ऐसे संभाल के रखे हुए हैं। मेरे पास कलेक्शन भी काफी है, अभी 300-325 बॉल्स है मेरे पास, और वो मुझे ही पता है कि कौन सा वो ऊपर का गंदर लगेगा। तो मैं, लेकिन ये कहता हूँ मैं कि अंदर कुछ चल रहा है काम किचन में, तो कुछ गिर जाता है तो मैं बोलता हूँ अभी क्या गिरा है, उसको जरा फिर से एक बार गिराना हो। वो ऋषभ अच्छा बज रहा था उसमें। वो अभी आप जानते होंगे बांसुरी बजाते हैं अश्विन श्रीनिवास, हाँ, अच्छे, तो अश्विन कह रहे कहते हैं मुझसे, अभी मैं उनका इंटरव्यू कर रहा था, कहते हैं बचपन में जब मेरी माँ डांटती थी मुझे, तो वो डांटती थी तो जिस जिस तरह से वो डांटती थी उसी को मैं संगीत में निकालता था। तो मैंने कहा क्या ये बात तो ऐसे होता होगा कि जैसे उन्होंने कहा कि क्या बदमाशी कर रहे हो, तो उन्होंने तुरंत उसको है, निकाल के बताया म्यूजिक में कि कैसे म्यूजिक में निकलेगा। क्या तो बात है, मैं क्या बात वैसा वैसा ही है। आपने भी बता दिया कि जब कोई बर्तन गिरा तो आपने कहा यार ये बढ़िया बढ़िया सुर निकला, इसको एक बार फिर से गिराओ तो कुछ इसको आगे इस्तेमाल फिक्स करें। एक बार। हम लोग की तो जो आम आम मतलब याददाश्त जो फिल्म से है या जो उसमें है जो सबसे ज्यादा स्ट्राइक करती है, मेरे ख्याल से वो तो मधुबन में राधिका नाचे रे में जो शुरू में बजा है जल तरंग, वो बहुत हाँ, उसमें भी पॉपुलर है, रहा। और जनक जनक तोरी बाजे पाए लिया, ये 2-3 गाने जो है इसमें स्क्रीन पे दिखता है,
दिखता है जी, चलता है, बजा तो बहुत जैसे गानों में। सामने बैठा हुआ बजा रहा है, एक पर्सन जो भी कलाकार है वो बजा रहा है, तो ये स्क्रीन पे दिखता है, लेकिन ऐसे 100 200 गाने दिल में जल रंग था, और काफी सारे गाने हैं। और ये इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट जब से आए, एक 30 40 साल हो गए, तो उसके बाद से ऐसे जिसको गूंज वाले इंस्ट्रूमेंट होते हैं, तो ये काफी उनके पास कीबोर्ड में आ गए, तो ये इसका बजाना कम हो गया। लेकिन फिर भी जिसको लगता है कि नहीं जलकरण चाहिए, जैसे लास्ट देवदास में भी बैरी पिया ये गाना था, उसमें एक्चुअल लाइव जलकरण था। तो मैंने भी एक साउथ की एक मूवी है तिरुमनम एन्नम निका, उसमें साधना सरगम जी ने गाना गाया है, साधना सरगम और एक डुएट है उसमें बजाया था। और एक मैंने वेस्ट इज वेस्ट नाम की बीबीसी की इंग्लिश मूवी है, उसके बैकग्राउंड म्यूजिक में भी काफी जलतरंग उन्होंने यूज किया। तो जिसको लगता है कि नहीं नहीं हमको जलतरंग ही चाहिए, तो वो पहुंच जाते हैं मेरे पास। मिलिंद तुलांकर जी के साथ इस बातचीत में यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं। कल रात ठीक 10 बजे एक बार फिर हमसे जुड़िएगा और देखिएगा इस इंटरव्यू का दूसरा हिस्सा। और उस दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे मिलिंद जी के गुरुओं के बारे में, और गुरुओं के बारे में भी सबसे खास बातचीत उस्ताद शाहिद परवेज जी के बारे में, जो पूरी दुनिया में इस वक्त भारत की तरफ से सितार बजाने वाले जो कलाकार हैं उनमें अग्रणी कलाकार हैं। बहुत नाम, बहुत सम्मान, बहुत प्यार उनको मिला है। उनके बारे में खास बातचीत इस इंटरव्यू के दूसरे हिस्से में जरूर देखिएगा।